Hey, hi friends, what's up? This is Ujwal and welcome to my YouTube channel Smart Tech Info. Friends, Razer company आपको पता होगी. जी हाँ, Razer company जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जानी मानी जाती है, खासकर गेमिंग पीसीस के लिए. जी हाँ, ये वो कंपनी है जो टॉप पीसीस बनाती है, खासकर गेमर्स के लिए. जो हाई एंड यूज़र, जो सुपर यूज़र्स होते हैं, खास गेमिंग के लिए वो पीसीस बनाती है, लैपटॉप बनाती है. तो ये कंपनी Razer company देखिए, जो वर्ल्ड में ज़्यादा फेमस है गेमिंग पीसीस बनाने के लिए, तो इन्होंने एक डिसाइड किया है कि ये अभी स्मार्टफोन बनाएगा गेमिंग के लिए, गेमर्स के लिए स्मार्टफोन बनाएगा. तो ये खुशखबरी है, खासकर गेमर्स के लिए जो मोबाइल में खेलना चाहते हैं, जो हमेशा यहाँ पर वहाँ पर घूमते हैं और जो लैपटॉप कैरी करना पसंद नहीं करते हैं, बट मोबाइल में गेम्स खेलना जिन्हें पसंद है, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जो Razer कंपनी अभी प्रोवाइड करेगी. तो देखते हैं Razer कंपनी किस तरह का स्मार्ट मोबाइल बनाएगी खासकर गेमर्स के लिए. तो इससे पहले कई कंपनियों ने बनाया है गेमर्स के लिए स्मार्ट मोबाइल, बट सभी के सभी फेल हो चुके हैं, ज़्यादा उतना फेमस नहीं हुआ उनका ब्रांड. तो देखते हैं Razer कंपनी कहाँ तक अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेगी, पता चलेगा जब मार्केट में ये लॉन्च करेगी. इसके स्पेसिफिकेशंस, इसके अनटन टू बेंचमार्क स्कोर्स, इसके रिव्यूज़ और हैंड्स ऑन इम्प्रेशंस, ये सभी हमें पता चलेगा जल्द ही जल्द. और जब भी ये हमें पता चलेगा, हम वैसे आपको एक नया रिव्यू कर इसका वीडियो आपको बता देंगे, जिसमें पूरा डिटेल रहेगा कि इसमें क्या प्रोसेसर है, कितना रैम है, कितना स्पेस है, जीपीयू इसका कितना हाई ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का है, उसका रेंज क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और किस तरह के इसमें और एडवांस फीचर्स लगे हुए हैं या हार्डवेयर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से गेमर्स के लिए बहुत ही ईजी होगा बढ़िया से बढ़िया ग्राफिक्स का गेम खेलने के लिए. तो ये खासकर गेमर्स के लिए स्मार्ट मोबाइल फ़ोन बनाने वाली है Razer कंपनी. तो देखते हैं जैसे ही मार्केट में आएगा, हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको डिटेल इसका फ्यूचर्स स्पेसिफिकेशंस के साथ बताएंगे. तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक करना ना भूले, और प्लीज़ हो सके तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. और ऐसे कुछ नए न्यूज़ और कुछ अनबॉक्सिंग वीडियोस लेकर मैं हमेशा आता रहूँगा. थैंक यू. जय हिंद.